तो हेलो दोस्तों, एआर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आशा करते ठीक ही होंगे। तो आज ये हमारे पास इंडक्शन चूल्हा रिपेयर होने के लिए आया है। मैं आपको इसमें पावर देके इसका फॉल्ट दिखा दूं। तो ये देख सकते हो, ये हमारा सीरीज बल्ब जल रहा है। देख सकते हो इसमें शॉर्ट है, यानी कि ये हमारा इंडक्शन शॉर्ट है। तो हम इसे सबसे पहले पावर कट कर लेते हैं और इसको खोल लेते हैं। तो जब तक हम इसे खोलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। तो दोस्तों, ये ऊषा का इंडक्शन है और इसका मदरबोर्ड चेंज हुआ है। इसमें चाइना का मदरबोर्ड डला हुआ है और आज हम इसको आपको रिपेयर करके दिखाएंगे। देख सकते हो आप दोस्तों, तो इसे हम सबसे पहले खोल लेते हैं। और इसमें देखते हैं क्या फॉल्ट है हमारे इंडक्शन में। तो ये देख सकते हो आप, हमारे सामने ये रेजिस्टेंस बिल्कुल जली हुई है और ये इधर आईसी भी जली हुई है। देख सकते हो दोस्तों आप, ये देख सकते हो, ये हमारी रेजिस्टेंस जली हुई है और ये हमारी आईसी भी जली हुई है। तो हम इसे सबसे पहले मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं और इसे चेक करते हैं। तो हम सबसे पहले ये रेजिस्टेंस को बाहर करेंगे। देख सकते हो, जो कि हमारी 22 ओम की रेजिस्टेंस है ये, और ये जली हुई है। और ये हमारी वाइपर 12A IC है। हम इन दोनों को बाहर करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी 22 ओम की रेजिस्टेंस को बाहर कर लेते हैं, जो कि हमारी बिल्कुल जली हुई है। तो सबसे पहले मैं इसको बाहर कर लेता हूँ। ये हमारी 22 ओम की रेजिस्टेंस है, देख सकते हो आप, और ये बिल्कुल जली हुई है, हीट हो गई है ये बिल्कुल। तो मैं इसके प्रिंट साफ कर लेता हूँ दोस्तों, और उसके बाद फिर मैं आईसी को निकालूंगा, जिसका आईसी नंबर वाइपर 12A है। तो मैं इसको रंग भर के इसे निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले हमें इसे आईसी को बाहर निकाल लेना है। और ये देख सकते हो, ये हमारी फटी हुई है और इसमें धुआं निकला हुआ है। धुआं ये हमारा निकला हुआ है आईसी में, जो कि इसका नंबर वाइपर 12A IC है। ये देख सकते हो, ये फटी हुई है, देख सकते हो दोस्तों आप। और हमें इसके सबसे पहले प्रिंट साफ कर लेने हैं, ताकि ये हमारे प्रिंट कहीं टच ना हो। तो ये देख सकते हो, ये हमने प्रिंट साफ कर लिए हैं। तो सबसे पहले इसमें हम 22 ओम की रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। ये देख सकते हो, ये हमारी 22 ओम की रेजिस्टेंस है। तो हम इसे सबसे पहले अपने मदरबोर्ड में लगा लेते हैं। देख सकते हो आप, इस पे 22 ओम लिखा हुआ है और हमें 22 ओम की रेजिस्टेंस इसमें लगा लेनी है। और इस पर सोल्डिंग कर देनी है। सोल्डिंग करके हमें इसकी लेग को काट लेना है। ये देख सकते हो, ये हमने 22 ओम की रेजिस्टेंस लगा दी है। और अब हम इसमें वाइपर 12A IC भी लगा लेते हैं। और इसको हम बढ़िया करके फिट कर लेते हैं और इस पर सोल्डिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इस पर सोल्डिंग कर लेनी है। मैं फास्ट करके इस पर सोल्डिंग कर दूं, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो दोस्तों। इस पर हमें बढ़िया करके सोल्डिंग कर लेना है और इसे हमें ब्रश से साफ कर लेना है, ताकि हमारा कोई पॉइंट टच ना हो और इसमें हम पावर दे के आपको दिखा दें। तो मैं इसमें सबसे पहले पावर दे के आपको दिखा दूं। ये देख सकते हो, ये जैसे हमने इसमें पावर दी, ये हमारा बीप का साउंड आ गया है। देख सकते हो दोस्तों, हमारा बीप का साउंड दे रहा है इंडक्शन, यानी कि हमारा इंडक्शन बिल्कुल ओके हो गया है। तो हम इसे सबसे पहले अपने बोर्ड में खींच लेते हैं। इसे हमें अपने बैक में खींच लेना है और मदरबोर्ड को हमें खींचने के बाद इसे
बंद कर लेना है और इसका पैनल लगा के हमें इसे चेक कर लेना है। तो दोस्तों हम इसमें सबसे पहले पावर देंगे और इसे हम फिर चेक करेंगे। हमें डायरेक्ट पावर देनी है क्योंकि हमारा सीरीज बल्ब जल जाएगा वरना, क्योंकि सीरीज बल्ब से लोड नहीं उठता। तो मैं आपको इस पर एक बर्तन रख के दिखा दूं, ये देख सकते हो ये हमारा इंडक्शन चल गया है जो कि 2000 वाट पर हमारा चल रहा है दोस्तों, देख सकते हो आप। और ये देख सकते हो पानी में फुरेरी सी आ गई है, देख सकते हो दोस्तों पानी गर्म होने स्टार्ट हो गया है। ये देख सकते हो ये हमारे पानी में उबाल आने स्टार्ट हो गए हैं, उबलने लगा है पानी दोस्तों, देख सकते हो आप। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो दोस्तों, देख सकते हो आप ये हमारा इंडक्शन बिल्कुल ओके हो